गुड मॉर्निंग प्लस जो है आपने यूनिट टेस्ट दी थी और वो यूनिट टेस्ट आई होप कि आपने सबने अच्छी तरह से और अभी मॉनसून सीजन चल रही है तो मॉनसून का भी मजा ले रहे होंगे, है ना। थोड़ी देर पढ़ना और बाद में बारिश का मौसम भी अच्छा है इसलिए बारिश का नाना और उसको एंजॉय करना, ठीक है। क्योंकि हर बार तो आप स्कूल में होते थे फिर क्या करते थे खिड़की में से देख लेते ओ बारिश आई बारिश आई, मैम पढ़ाती है तो भी ध्यान कहाँ होता था विंडोज में, राइट। पर आज आप घर पे हैं तो आपको वो भी मजा मिल रहा होगा, है ना। तो बारिश की रिलेटेड में आपको आपने सुना ही होगा सबने गुजराती में बारिश का एक छोटा सा रायम है आवरी वर्षा वाला, है ना। तो मैं आपको दोनों तरीके से उसको बताती हूँ। आवरी वर्षा गिबरियो बरसात उन्नी उन्नी रोटली ने कारे रानू शा। तो अब पहले के जमाने में बच्चे यही गाते थे और बारिश में नहाते थे, छोटे छोटे बोट्स बनाते थे कागज के और फिर उसको अंदर घुमाते थे। पर आज रेयरली किसी को कह रहे कि सब्जी अच्छी लगती हुई कि आवरे वर्षा गेबरियो प्रसाद यानी धूमधाम से जोर से आ, क्योंकि उस जमाने में सब खेती करते थे तो घर परिवार के लोग सभी लोग खुश होते थे कि बारिश आई बारिश आई। किसान तो खुश होंगे ही होंगे, फार्मर्स के लिए तो ब्लेसिंग्स है, इसलिए उनके घर में तो लड्डू भी बनते थे जब बारिश आती थी ना कि हाँ अभी हमारा पूरा साल अच्छा जाएगा। और वो लड्डू को क्या बोलते हैं पता है आपको, मेघ लाडू, मेघ यानी बारिश और लड्डू यानी सबको पता है सबको पसंद है, मेघ लाडू बनाते थे और बच्चे बोलते थे क्योंकि बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी आती है करेले की, है। अब तो हमारे यहाँ ऑल सीजन में सब सब्जियाँ आती हैं लेकिन पहले सीजनल सब्जियाँ आती थी तो बारिश के मौसम में करेले ज़्यादा आते थे, इसीलिए वो लोग कहते थे कि उन्नी उन्नी रोटली यानी गरम गरम, उन्नी का मतलब होता है गरम गरम, तो गरम गरम रोटी और जो है करेले की सब्जी खाते हैं। लेकिन अब कोई कोई बच्चे को शायद करेले पसंद नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है इसलिए मैं तो वही खाऊंगी, लेकिन आप लोग जो हैं वो क्या खाते हैं पनीर की सब्जी, है ना। तो उसके लिए हम एक नया रैप बनाएंगे और वो बारिश से रिलेटेड कैसा, आवरे वर्षा गेबरियो प्रसाद, आवरे वर्षा गेबरियो प्रसाद उनी उनी तंदूरी ने पटेल की कानो शा। यानी कि करेले की सब्जी तो छोड़ दो और आपको जो पसंद है वो हम गाएंगे, इसलिए मेरे साथ गाइए चलो, आवे बरसात गेबरियो प्रसाद उन्नी उन्नी तंदूरी ने पटेल की कानो शा। आया ना मजा, है ना। तो बारिश में मम्मी से डिमांड भी करना कि आज तो हम यही खाएंगे, मम्मी भी बना सकती है और जोमेटो, राइट। सो आज जो है हम लोग आफ्टर यूनिट टेस्ट हम हमारा न्यू चैप्टर करेंगे जिसका नाम है खारा दरिया मा मारी पोड़ी। और देखो अगर आप कई लोगों को सब बच्चों को बोर्ड्स बनाना आती है ना कागज की, तो हम नेक्स्ट में करेंगे कैसे नाव बनाते हैं, आप लोग भी सीख लेना, मैं भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से पेपर में से हम पेपर बोर्ड बनाते हैं। पर इससे पहले जो है एज यूजुअल गिद्दू यानी कि रैम जो है वो हम गाएंगे। खारा दरिया मा, खारा यानी नमकीन, हम दरिया का पानी का तो सबको पता है सब मांडी जाते हैं नजदीक में, नजदीक तो वही है तो हम बीच पे जाते हैं तो वो बीच का पानी कैसा होता है खारा। लेकिन देखो हमारा ऊपर वाला जो है भगवान वो कितना अच्छा है कि दरिया का खारा पानी जो है उसकी वेपर बना के इवापोरेट होता है कि धूप में जो पानी की बाफ बनती है और वो बाफ में से बादल बनते हैं और ये बादल हमको कितना मीठा पानी देते हैं, है ना मैजिक। एक खारा पानी को जो है
ऊपर वाला ले लेता है और उसके मीठे मीठे बादल बनाता है, और वो बादल जब बरसते हैं तो वो अमृत के जैसा मीठा पानी होता है। दरिया भले खारा है लेकिन भगवान हमें उसको मीठा करके भेज सकते हैं, तो वो मैजिक तो वही कर सकता है। हम चाहे दरिया के पानी को कितना गर्म कर ले, कितना चीनी डालोगे उसमें, वो पानी कभी मीठा होगा? नो। सो गॉड इज ग्रेट, राइट? सो हियर चैप्टर नंबर 3, खारा दरिया मां मारी होली। दरिया का पानी चाहे कैसा भी खारा हो लेकिन नाव उसके अंदर चलती ही है। आपने भी सैर की होगी कभी, है ना, बोटिंग की है ना, यहाँ दरिया में आजकल तो मांडवी के बीच में भी है मोटर बोट, है ना, और नहीं तो माउंट आबू नजदीक में जाते हैं तो वहाँ नकी लेक में हम जाते हैं, बोटिंग करते हैं, मजा आता है ना, पानी को यूं हाथ से घुमाना, बोटिंग करना, तो ये सब एक जो है एडवेंचर है, एंजॉयमेंट है। सो एंजॉय। तो यहाँ पर हम लोग ये जो है गाना गाएंगे, ठीक है? तो ली तो कोरो कागर डोरी ए मागागर, ली तो कोरो कागर डोरी ए मागागर, लाल पीड़ो ने बादड़ी भरी रंगनी गोदड़ी, लाल पीड़ो ने बादड़ी भरी रंगनी गोदड़ी, ली तो कोरो कागर डोरी ए मागागर, लाल पीड़ो ने बादड़ी भरी रंगनी गोदड़ी, नाक कान ने डोरिया, नाक कान ने डोरिया, चितरी ने पोपट लीपा, लाव्यो नानी पीछी साथ बीते में तो पाड़ी बात, नाक कान ने डोरिया, चितरी ने पोपट लीपा, लाव्यो नानी पीछी साथ बीते में तो पाड़ी बात, जोई भीत ने पाड़ी को बाए मन ने टिप्यो को, हस्ता हस्ता सही गयो उठो त्यां तो भूली गयो, है ना, मजेदार, मेरे साथ गाओ, ठीक है, फिर से गाते हैं, ओके। लीजो को रुका कर, गा रहे हैं ना साथ में, लीजो को रुका कर दूरी ही मांगा कर, लाल पीड़ों ने बादड़ी भरी रंगनी गोदड़ी, नाक कान ने डोरिया चितरी ने पोपट लीपा, लाव्यो नानी पीछी साथ बीते में तो पाड़ी भात, जोई भीत ने पाड़ी को बाए मन ने टिप्यो को, हस्ता हस्ता सुई गयो उठो त्यां तो भूली गयो, है ना, मजेदार, साथ साथ में गाइए और उसको याद भी कीजिए, ओके। तो यहाँ पर ये जो रैम है वो रैम रिलेटेड किससे है, रंग कागज, और किस तरह से हम कोई भी आर्टिस्टिक वे में कैसे करते हैं उसके बारे में है, कि यहाँ पर जो है मैंने ये किया, फिर ब्रश लेके उसे, कई बार बच्चे जो छोटे होते हैं, आप छोटे बच्चों को भी देखते हैं तो क्या होता है, दीवार के ऊपर पेंसिल या पेन मिल गई तो मॉडर्न आर्ट शुरू हो जाता, फिर मम्मा ढूंढ कर लगाती है क्यों दीवार को बिगाड़ा, राइट? तो उसको पता नहीं है, उसके मन में जो दिमाग में आता है वो जहाँ उसको जगह मिलती है वहाँ वो करना शुरू हो जाती है। तो छोटे बच्चे जो हैं वो दीवार को अपने आप पेंट करना शुरू कर देते हैं, तो तभी अपना मॉडर्न आर्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पर कभी उसको पैरट बनाने का मन करता है, तो कभी अलग अलग कलर से कुछ ना कुछ करते रहने का, क्रेयॉन्स लेके करते हैं, फिर और थोड़े बड़े होते हैं तो फिर ब्रश लेके चालू हो जाते हैं, उसको पता नहीं होता है कि मैं मुझे क्या करना है क्या बनाना है, जस्ट इमेजिनरी होता है, इमेज जो दिमाग में उसकी घूमती है वो उसको बनाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही तो हम सीखते हैं ना, कई लोगों को इनबॉर्न होता है,
बचपन से ही उनके दिमाग में वो बात होती है और वो अपने आप ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग जो है वो एक इनबॉर्न स्किल है। कई बच्चों को पढ़ने में बड़े तेज हैं पर ड्राइंग नहीं आता है, होता है ना ऐसे, तो मुझे मेरे से ये नहीं बन रहा है, और कोई बच्चे जो है फटाक से देख के सीधा पेंसिल से बना लेते हैं। बट ये स्किल जो है वो सब में नहीं होती, बट अगर हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं तो सीखने वाले की कभी भी हार होती नहीं। धीरे धीरे करके अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से हम अपना काम निपटा सकते हैं। किसी से बोलना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये ड्राइंग करके दो, मुझे ये नहीं आता है। धीरे धीरे करके हम उसको करते हैं, क्योंकि जो ड्राइंग अच्छी करता है ना उसकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए हैंड राइटिंग अच्छी बनाने के लिए भी हमको थोड़ा थोड़ा पेंसिल से और कुछ ना कुछ बनाते रहना है, इमेजिनरी कुछ बनाना है, सोचना है मन में कि ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है। तो फर्स्ट वी हैव टू डेवलप आवर टेस्ट, और ड्राइंग ऐसे नहीं होगा ऐसे सोच के मुंह बना के नाक को सिकोड़ के करना नहीं, थोड़ा थोड़ा हमें सब कुछ सीखना चाहिए। तो इस तरह से ड्राइंग जो है उसको हम भले हम बहुत आर्टिस्टिक वे में नहीं कर सके, लेकिन उसका काम जो है जो जस्ट हमको दिखाना है वो हम जरूर कर सकते हैं। तो इस तरह से ड्राइंग को सीखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो रायम है वो रायम को आपको गाना भी है और साथ साथ में नोटबुक के अंदर उसको लिखना भी है, क्योंकि तो फर्स्ट यूटी तो हो गई, सेकेंड यूटी में हमें इसको बाय हार्ट करना है, मेमोराइज करना है। इसलिए आप जो है उसको नोटबुक में लिखेंगे, और इसका मतलब क्या होता है वो आपको नेक्स्ट टाइम में समझाऊंगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।